स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाई गाजीपुरिया पर। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 33 से। अगर आपको 33 के पहले के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप इसके पार्ट फर्स्ट में जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं अपने इसमें 33वें क्वेश्चन की कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए काशी के, बी केकय के, ऑप्शन सी पंचाल के, ऑप्शन डी विदेह के। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ऑप्शन बी केकय के, इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा ब्रैकेट में काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी पंजाब में। पहले बात करते हैं ये कुंभा और काबुल क्या है। तो कुंभा एक नदी है जो कि प्राचीन नाम है, जिसका आधुनिक नाम है काबुल। ये कहाँ पर है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान में। इसी प्रकार हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियों के नाम प्राचीन में कुछ और थे लेकिन बाद में इनका नाम चेंज कर दिया गया था। जैसे कि अगर आप देखेंगे रावी नदी, रावी, तो रावी तो आधुनिक नाम है इसका, बट अगर इसका हम प्राचीन नाम देखेंगे तो प्राचीन नाम इसका होगा परुस्नी। उसी तरह देखें हम अगर सतलज नदी, तो सतलज ये आधुनिक नाम है जबकि इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो सतुद्री इसका प्राचीन नाम होगा। ये 2 नदियों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए तस्सिला, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी कौसाम्बी और ऑप्शन डी है हस्तिनापुर। तो इसका सही आंसर होगा कि लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लोह धातु की। लोह धातु खोज किसने की थी सर्वप्रथम, तो आर्यों ने की थी। कब की थी, तो वैदिक काल के किस काल में, क्योंकि वैदिक काल 2 भाग में डिवाइड है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो लोहे की खोज हुई थी उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल। इससे एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि सर्वप्रथम वैदिक काल में किस धातु का उपयोग किया गया था। तो यहाँ बहुत लोग बोलेंगे लोहे का, बट वो गलत हो जाएगा आंसर। लोहे का नहीं, सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। तांबा कब प्रयोग किया गया था, ऋग्वैदिक काल में, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। इसका आंसर बी सही होगा, अतरंजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्थशास्त्र से, बी राजनीति से, ऑप्शन सी चिकित्सा से, ऑप्शन डी धर्म से। तो चरक संहिता एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है, आयुर्वेदिक ग्रंथ, जो कि किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत। आयुर्वेदिक ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और इनके रचयिता कौन है, तो आचार्य चरक इनके रचयिता हैं, और ये चिकित्सा से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी यजुर्वेद से। हमें पता है कि हमारे वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और इन वेदों में क्या क्या है, तो हमको पता है कि ऋग्वेद से हमें स्रोत एवं प्रार्थनाएँ, सामवेद से हमें संगीत, संगीत का जनक कहते हैं, संगीत में स्रोत है, और अथर्ववेद से हमें तंत्र मंत्र वशीकरण, जबकि यजुर्वेद से हमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों, स्रोत एवं कर्मकांड का पता चलता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है, यजुर्वेद से ही हमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि वैदिक युगीन सभा, इसके 4 ऑप्शन है कि गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन बी राजदरबार होता था, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद थी,
ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो वैदिक युगीन सभा क्या थी, जो यहाँ पे सभा है, सभा के साथ एक और थी समिति, ये दो चीज़ थी जिसके काम एक ही था कि राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, लेकिन इनके काम अलग अलग थे। जो बात करें हम यहाँ पे समिति है, जो बात करें हम यहाँ सभा की, तो सभा एक श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे क्या सभा के बारे में, तो सभा में यहाँ पे ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद थी जबकि समिति एक सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व का काम करती थी। अगला प्रश्न है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसकी फोर ऑप्शन है, ऑप्शन ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, ऑप्शन डी वंशानुगत राजतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी ऑप्शन सी गणतंत्र। क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके फोर ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्वेद। तो अगर आपने हमारी स्टार्टिंग से क्लास की होगी तो आपको पता होगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आप इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। इसके फोर ऑप्शन है, ऑप्शन ए सांख्य, वी वैशेषिक, ऑप्शन सी मीमांसा, ऑप्शन डी योग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में उपवेद हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद या अर्थशास्त्र, जबकि सूची सेकेंड में वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मतलब बताना है कि किस वेद का कौन सा उपवेद है। अगर हम देखेंगे तो हमारे जो ऋग्वेद है उसका उपवेद है आयुर्वेद, जबकि हमारा जो दूसरा वेद है यजुर्वेद उसका उपवेद है धनुर्वेद, जबकि तीसरे वेद को देखेंगे हम अपने सामवेद तो उसका उपवेद है गंधर्व वेद, जो चौथा हमारा लास्ट है अथर्ववेद उसका उपवेद है शिल्पवेद या अर्थशास्त्र। ये तो लाइनिंग से लिखे ही हैं ऊपर, तो हम देखेंगे हमारा ए आयुर्वेद का ए ऋग्वेद, तो इसका सही हम लोग को ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन ए कि वेदों को उसके उपवेद से सुमिलित कीजिए। तो हमें पता है कि ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का है शिल्पवेद, जिसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है। इसके फोर ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो हमें पता है कि ऑप्शन डी अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का वर्णन किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। इसके फोर ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो हमें पता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, मंडल टोटल मंडल हैं 10, जबकि सूक्त की बात करें तो 1028, ऋचाए की बात कर लें तो 10462 ऋचाए हैं। कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल सूक्त और ऋचाए हैं, तो मंडल 10 हैं, सूक्त 1028 हैं, ऋचाए 10462 हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। प्रश्न है कि आर्य भारत में संभवत आए। इसके फोर ऑप्शन है, ए
यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से, डी अन्य क्षेत्रों से। तो इसका सही आंसर होगा कि आर्य संभवत आए थे ऑप्शन बी मध्य एशिया से। और ये किसने कहा था, तो ये मैक्स मूलर ने कहा था, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य सर्वप्रथम आए थे मध्य एशिया से। प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेदिक काल से, बी उत्तर वैदिक काल से, सी महाकाव्य काल से, ऑप्शन डी सूत्र काल से। तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल से, इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, ऑप्शन बी पहले मंडल से 6ठवें मंडल तक, ऑप्शन सी तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, ऑप्शन डी चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो ऋग्वेद के कुल 6 मंडलों को जिनसे कि वंश मंडल और गोत्र मंडल कहा जाता है, ऑप्शन ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब इसी बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। कितनी सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। कितनी ऋचाएं हैं, तो 10462 ऋचाएं हैं। मंडल कितने हैं, 10 सूक्त, 1028 ऋचाए, 10462 ऋचाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है। इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए निर्जाति समूह को, ऑप्शन बी यायावरी जन को, ऑप्शन सी भाषा समूह को, ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, तो ऑप्शन डी श्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद रूप में भी रचित है? इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो हमें पता है कि हमारा यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों रूप में रचित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में, डी अथर्ववेद में। अगर आप अथर्ववेद में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो इसका ऑप्शन डी है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए सभा, बी समिति, सी विदत, डी परिषद। तो ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी ऑप्शन सी विदत। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ ब्राह्मण, डी पंचविश ब्राह्मण। अगर यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों की बात हो रही है, तो सबसे प्राचीन कौन सा है, तो ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। अगर वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद होगा, ऋग्वेद। अगर जहाँ पे ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण दोनों दिया होगा तो वहाँ पे ऋग्वेद होगा, क्योंकि ऋग्वेद के बाद कोई प्राचीनतम होगा तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि अनुलोम विवाह का अर्थ। इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, ऑप्शन बी है निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, ऑप्शन सी है उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, जबकि डी है निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो इसमें अनुलोम का पूछा है, तो अनुलोम का होता है उच्च वर्ण पुरुष का विवाह निम्न वर्ण नारी के साथ, इसको कहते हैं अनुलोम। जबकि आपसे इसी में पूछ ले प्रतिलोम विवाह का अर्थ, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा वहां पे,
वहाँ पे ये हो जाएगा कि उच्च वर्ण नारी का विवाह निम्न वर्ण पुरुष के साथ, लेकिन यहाँ बात किसकी कर रही है, अनुलोम विवाह का, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उच्च वर्ण पुरुष का विवाह निम्न वर्ण नारी के साथ, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, अभी हमने ऊपर बात किया था अनुलोम विवाह की, अब बात कर रहे हैं प्रतिलोम विवाह की, तो इसका सही इसके फोर ऑप्शन है कि जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है, या जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, या ऑप्शन सी है इसका कि जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर ले, या ऑप्शन डी है जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर ले। तो प्रतिलोम का हमने बताया था आपको कि जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा प्रतिलोम विवाह का मतलब। अगला प्रश्न है वैदिक युग में यव कहा जाता था, इसके फोर ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेहूँ, बी जौ, सी चावल, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये वैदिक युग में यव कहा जाता था ऑप्शन बी जौ को, जबकि चावल को व्रीही कहा जाता था, यव जौ को और व्रीही चावल को कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है व्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, इसके फोर ऑप्शन है ए चावल, बी गेहूँ, सी जौ, डी कपास। तो व्रीही शब्द ऑप्शन ए चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है अथर्व का अर्थ, इसके फोर ऑप्शन है, ऑप्शन ए पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति, ऑप्शन डी दर्शन। तो अथर्व का अर्थ होता है ऑप्शन ए पवित्र जादू। क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण है, इसके फोर ऑप्शन है, ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण, ऑप्शन डी वायु पुराण। तो हमारा प्राचीनतम पुराण है ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, इसमें फोर ऑप्शन है ए सिंधु, बी सरस्वती, सी परुष्णी, ऑप्शन डी सतुद्री। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है ऑप्शन बी सरस्वती को, लेकिन इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, तो सिंधु नदी हो जाएगा वहाँ पे। सबसे ज़्यादा उल्लेख किस नदी का हुआ है ऋग्वेद में, तो सिंधु नदी, और सबसे पवित्र नदी की बात की जाए तो सरस्वती नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, इसके फोर ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुल या कुटुंब, बी ग्राम, सी विष, डी जन। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी ऑप्शन ए कुल या कुटुंब। कुल या कुटुंब के मुखिया पिता होते थे जिसे कुलप कहा जाता था। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, इसके फोर ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु, डी रुद्र। तो उत्तर वैदिक काल में ऑप्शन ए प्रजापति देवताओं को ज़्यादा स्थान सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, लेकिन अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल तो उस टाइम सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त था, इंद्र को, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को। हमारा अगला प्रश्न है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, इसके फोर ऑप्शन है, ऑप्शन ए 14, बी 15, सी 16, डी 18। तो संस्कारों की कुल संख्या होती है ऑप्शन सी 16। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, इसके फोर ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी गाय, सी स्त्री, डी पुरोहित। तो ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग ऑप्शन बी गाय के लिए किया गया था। गाय को अघन्य ना मारने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। प्रश्न है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, इसके फोर ऑप्शन है, ऑप्शन ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी परीक्षित। तो गायत्री मंत्र की रचना की थी ऑप्शन बी विश्वामित्र ने, इसका बी ऑप्शन सही होगा। हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है,
इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी भागवत पुराण। तो इसका सही आंसर होगा कि आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है ऑप्शन ए रामायण को। और थैंक यू गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।